ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे से पहले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल कांग्रेस नेता महेंद्र चौहान को एक बंद लिफाफा मिला था, जिसमें उन्हें गोलियों से भुनने की धमकी लिखी थी। धमकी भरे बंद लिफाफे पर किसी का नाम नहीं लिखा। दरअसल रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर दौरा है। इस दौरे को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ग्वालियर के दशहरा मैदान में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें एक लिफाफा दिया था। वहीं जब उन्होंने लिफाफे में रखे पत्र को पढ़ा तो कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौंक गए। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया को एक उनका कहना है कि कांग्रेस नेता को धमकी भरे पत्र को लेकर शिकायत आई है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य विवेचना में सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों ने कुछ कागज दिए, कुछ बायोडेटा थे, कुछ चिट्ठियां थी, तरह तरह के पत्र थे, वो मैंने अपने जेब में रख लिए। तो यहाँ के बाद जब मैं होटल पहुंचा तो नीचे हम दो चार पांच लोग नीचे लॉबी में बैठे थे, तो वो पत्र हमने देखने शुरू किए तो उसमें एक पत्र मिला, लिफाफे में था, जिसमें हमें कुछ धमकी भरी बातें उसमें लिखी हुई थी कि पहली चेतावनी है महेंद्र सिंह, तुम ग्वालियर आना जाना छोड़ दो, और ये ग्वालियर चंबल के लोग बातों से नहीं गोली से बात करते हैं, और यहाँ से भोपाल तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कुछ 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 था। जो महेंद्र सिंह जो कि भोपाल से यहाँ पर आए हुए थे ग्वालियर में 3 तारीख को संत रविदास जयंती की जो तैयारियों को लेकर, और वो जब दशहरा मैदान के बाद यहाँ जा रहे थे थाटीपुर क्षेत्र में, तभी के एक व्यक्ति उनको एक लिफाफा दिया, और वो लिफाफा उन्होंने जब सेंटर पार्क जाकर रात को 9:30 बजे जब उसको खोला तो उसमें उनको धमकी दी गई थी कि आप कभी ग्वालियर ना आए वरना आपकी जान को खतरा है। तो इस तरह की जो धमकी दी गई है इस पर अभी आवेदन इनके वकील के द्वारा दिया गया है, उसको वेरीफाई किया जाकर इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।